वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पाइनल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले, जो सेस एंड नेट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पाइनल केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो पहले हम लोग जो स्पाइनल का जो बेसिक केमिस्ट्री है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग ये 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एज वेल एज हम लोग गेट का भी मोर देन 3 प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो स्पाइनल होता है। स्पाइनल 3 टाइप हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर नॉर्मल स्पाइनल, सेकेंड इज योर इनवर्स स्पाइनल एंड थर्ड वन इज योर मिक्स स्पाइनल। तो देखो, पहले हम लोग नॉर्मल और एंड इनवर्स स्पाइनल डिस्कस करेंगे, इन बिटवीन हम लोग एक दो मिक्स एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल होता है इसका जो जेनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो A(B)2(O)4, दैट इज द जेनरल फार्मूला, ठीक है। अभी अगर ये जेनरल फार्मूला होगा तो ये जो होता है A, ये ऑलवेज प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट, और बी जो होता है ऑलवेज प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, लेट्स से ए प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट, B2O3 जो 3 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द जेनरल फॉर्मूला, सॉरी O4, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल स्पाइनल की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल स्पाइनल की बात करेंगे तो ये जो ए प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट होता है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल जो होल होता है वहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इट प्रेफर, सो ए 2 प्लस, और आई कैन राइट 2 प्लस ऑक्सीजन स्टेट लाइक दैट वे, 2 प्लस स्टेट ऑलवेज प्रेफर टेट्राहेड्रल होल्स और यू कैन से वॉइड्स, राइट, क्लियर हो गया। एंड अगर हम लोग बी की बात करेंगे, बी 3 प्लस दैट ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल होल्स, क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग नॉर्मल स्पाइनल की बात करेंगे तो जो ए पार्ट होता है वो ऑलवेज टेट्राहेड्रल होल्स प्रेफर करते हैं, एंड ये जो ए एंड बी इन जनरल मेटल्स, ठीक है, दैट कैन बी ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये जो बी 3 होता है इसका जनरल जो स्टेटमेंट होता है, जब बी 3 प्लस जब ऑक्टेटल होल प्रेफर करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलेशन का एक टर्म आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलेशन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज वॉच दिस वीडियो, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, ऑलराइट, नाउ देखो यहाँ पे जो बी 3 प्लस होता है, बी 3 प्लस जो ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट होता है उसका जो CFSC होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इन जनरल वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू A2+। अगर A2+ ऑक्टाहेड्रल होल में रहेगा तो उसका जो CFSC होगा, A2+ अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड में बिलोंग करेगा तो उसका जो CFSC होगा वो कम होगा इन कंपेयर टू दिस, दैट्स वाई B3+ ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल होल इन नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। अभी देखो अगर हम लोग इनवर्स स्पाइनल की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसा होगा, फॉर द इनवर्स स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल के लिए जो होता है वो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो A2+ होता है वो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल होल प्रेफर करता है, एंड जो B3+ जस्ट एक्सचेंज हो जाते हैं वो बेसिकली हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल होल प्रेफर करते हैं। तो देखो यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज हो रहा है, जब हम लोग इनवर्स स्पाइनल की बात करते हैं तब यहाँ पे जस्ट एक्सचेंज होता है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे बिकॉज ये ऑक्टाइड होल प्रेफर करते हैं तो A2+ मेटल के लिए इन ऑक्टाइडल जो CFSC वैल्यू होता है दैट ऑलवेज ग्रेटर देन B3+ इन ऑक्टाइडल होल CFSC, क्लियर हो गया। तो ये केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। अगर हम लोग नॉर्मल स्पाइनल की बात करेंगे तो जो A2, B3 that will always prefer tetrahedral and B3 always prefer octahedral, ठीक है। अगर हम लोग inverse spinal की बात करेंगे, A2+, B2 that always prefer octahedral holes and that always prefer tetrahedral holes। तो ये basic एक general formula होता है जब हम लोग स्पाइनल जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया जब CFSC वैल्यू बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट प्रॉब्लम, Mn3O4, दैट वन आई कैन राइट Mn मैंगनीज 2O4, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था,
इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका जो ऑक्सीजन स्टेट बेसिकली प्लस टू एंड दैट इज द प्लस थ्री, ठीक है। अगर मैंगनीज प्लस टू में रहेगा तो दैट इज द डी फाइव सिस्टम, अगर ये थ्री में रहेगा तो दैट इज द डी फोर सिस्टम। अभी डी फाइव सिस्टम में तो सी ए पी सी जीरो होता है, सी ए पी सी जीरो ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज स्टेटर एनवायरमेंट में। अगर किसी भी मेटल के लिए सी ए पी सी जीरो है तो या ये ऑक्टाहेड्रल में भी रह सकते हैं, टेट्राहेड्रल में रह सकते हैं, बट जब सी ए पी सी एक पार्ट के लिए जीरो है तो जो अनदर मेटल है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी उसका जो डी फोर है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज फेवरेबल इन द ऑक्टाहेड्रल। अगर ये मेटल अगर ऑक्टाहेड्रल में रहेगा, ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट में, तो इसका देखो जो सी ए पी सी वैल्यू होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 × 0.4 − 0.6, तो बेसिकली 0.6 डेल्टा जीरो वैल्यू आ रहा है। तो ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग सी ए पी सी वैल्यू। ओके, तो ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करेगा, राइट। ओ ईच और यू कैन से ओ सी टी ऑक्टाहेड्रल, तो ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करेगा। दैट मीन्स हम लोग ये तो सीख गए, अगर कोई भी मेटल अगर सी ए पी सी जीरो है तो वो ऑक्टाहेड्रल प्रेफर कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल प्रेफर कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए सी ए पी सी जीरो है उसका हम लोग नहीं देखेंगे, अनदर जो पार्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलाइजेशन गेन कर सकता है। अगर ये ऑक्टाहेड्रल में रहेगा तो इसका सी ए पी सी ज़्यादा हो रहा है, एज ए रिजल्ट हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को जो मिला है दैट इज दैट एग्जिस्ट इन ए दैट एग्जिस्ट द एम एन थ्री एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल एंड सो यू कैन पुट दिस इज द टेट्राहेड्रल, क्योंकि हम लोग इसको टेट्राहेड्रल भी रह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी रह सकते हैं, दैट विल नॉट अफेक्ट दैट मच बिकॉज ये सी ए पी सी जीरो है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये ऑक्टाहेड्रल में रहेगा सो डेफिनेटली एम एन टू भी टेट्राहेड्रल में रहेगा, सो दैट फॉलोज दिस स्ट्रक्चर, सो दिस इज योर नॉर्मल स्पाइनल। क्लियर हो गया, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आ गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोगों को प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ देखो यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम है, Fe2O4 3+2+, ठीक है। अगर ये 2 प्लस रहेगा तो ये बेसिकली डी सिक्स सिस्टम होगा एंड दैट इज एफ ई थ्री इज योर डी फाइव सिस्टम। डी फाइव सिस्टम का सी ए पी सी ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है इन ऑक्टाइडल एज वेल एज टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट में। अगर ये सी ए पी सी जीरो होगा तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग एफ ई टू को देखेंगे। तो इन जनरल एफ ई टू प्लस ऑलवेज प्रेफरेबल ऑक्टाहेड्रल इन कंपेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये जो डी सिक्स सिस्टम होता है वो ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल प्रेफर करता है बाई 15 kJ/mol inverse, ठीक है। तो इसका डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है, राइट। दैट मीन्स एफ ई टू प्लस जो डी सिक्स सिस्टम ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल जो एनवायरमेंट और अगेंस्ट ऑक्टाहेड्रल जो होल और ऑक्टाहेड्रल वायर प्रेफर करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे जो पार्ट होता है एफ ई टू प्लस दैट प्रेफर ऑक्टाहेड्रल एंड बिकॉज इसका सी पी सी जीरो है सो वी कैन पुट टेट्राहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, एज ए रिजल्ट क्या होता है, दैट विल गिव यू इनवर्स स्पाइनल, राइट। क्योंकि इनवर्स के लिए क्या होता है, इनवर्स के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, फॉर द इनवर्स आई डोंट हैव स्पेस, ओके आई कैन पुट ओवर हियर ए बी टू ओ फोर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फॉर द इनवर्स, राइट। सो ये हो गया इनवर्स, क्लियर होगा। क्यों, बिकॉज एफ ई टू प्लस जो डी सिक्स सिस्टम ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल वायर इन कंपेयर टू एफ ई टू प्लस इन टेट्राहेड्रल, राइट, बाई 16 kJ/mol inverse। सो एज ए रिजल्ट इट ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल। इफ एफ ई टू प्लस ऑक्टाहेड्रल होगा तो एफ ई थ्री प्लस तो टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि इसका सी ए पी सी जीरो है सो वी कैन पुट, मतलब इसका सी ए पी सी जीरो हो तो हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल भी रह सकते, टेट्राहेड्रल भी रह सकते, राइट। तो दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स इनवर्स स्पाइनल, क्लियर हो गया। ओके, नाउ ऐसे करके हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं और देयर इज सम रूल यू कैन रिमेंबर, एक दो रूल भी हम लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं। फर्स्ट रूल, जो फर्स्ट रूल है दैट इज इफ ए एंड बी आर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स देन इट विल गिव यू नॉर्मल स्पाइनल, क्लियर हो गया। अगर ए एंड बी अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल होगा, लेट्स से इस एग्जांपल के बात करेंगे,
देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एग्जाम्पल इज योर एम जी ए एल टू ओ फोर। देखो ये बेसिकली नॉन ट्रांजिशन मेटल है, राइट? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर ये ए एंड बी इज आर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल। हम लोगों को कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, अगर ये नॉन ट्रांजिशन होगा तो ये नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो रूल है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डी थ्री एंड डी एट कॉन्फिगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट हैविंग लार्जेस्ट सीएपीसी वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये जो डी थ्री एंड डी एट कॉन्फिगरेशन होता है इसका अगर ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट में इसका सबसे लार्जेस्ट सीएपीसी होगा। जस्ट रिमेंबर दिस टू रूल, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर डी थ्री एंड डी एट अगर होगा, डी थ्री एंड डी एट अगर होगा तो उसका सीएपीसी सबसे ज्यादा होता है। इसका सी डी एट, ठीक है, डी थ्री एंड डी एट का जो सीएपीसी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एंड अगर ये नॉन मेटल होगा ए एंड बी तो ये हो जाएगा नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। तो हम लोग अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम, सॉरी फोर्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, निकेल, फोर्थ प्रॉब्लम में देखो, निकेल Fe2O4, ठीक है। अभी अगर ये निकेल 2+ होगा एंड दिस इज योर 3 ऑक्सीजन स्टेट, तो ये हो जाएगा D5। इसका सी ए पी सी मैंने ऑलरेडी बताया था 0 होता है, सो इट कैन एग्जिस्ट ऑक्टेटल और टेटल, डजेंट मैटर। तो ये उतना मैटर नहीं करता, जिसका सी पी सी 0 है उसका हम लोग नहीं देखेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखो निकल 2+ होगा तो ये D8 हो जाएगा। अगर D8 होगा, मैंने क्या बताया था, D8 का ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में इसका सी पी सी सबसे ज्यादा होता है। अगर सी पी सी ज्यादा होगा तो इट ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल, राइट? तो निकल 2+ ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल एंड देन Fe3 विल प्रेफर टेट्राहेड्रल। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल तो ये हो जाएगा इनवर्स स्पाइनल। राइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो दिस इज 2, दिस इज 3। तो अगर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा D5, तो इसका CAPC क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका अगर बात करेंगे तो दैट विल गिव यू D4 सिस्टम। अगर हम लोग D4 सिस्टम की बात करेंगे तो इट ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाइल एनवायरनमेंट। देखो अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो 3 D4 के लिए 3 × 0.4 − 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 ΔZ, राइट? तो इट ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाइडल, राइट? D4 ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाहेड्रल, और आई कैन राइट OH। एंड अगर इसका सीबीसी 0 है सो इट कैन प्रेफर टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर ये टेट्राहेड्रल ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा तो क्या होगा, दैट विल गिव यू नॉर्मल स्पाइनल। क्लियर हो गया? और आई कैन से मैंगनीज 3 ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट में जो सीएपीसी वैल्यू होता है, सीबीसी सीएफएसई, उसका वैल्यू ज्यादा होता है इन कंपेयर टू Mn2 इन ऑक्टाइडल, क्योंकि इसका तो सीएपीसी 0 हो रहा है, राइट? बिकॉज इसका सीएपीसी 0 है, इसका सीएपीसी तो 0 है वट एवर ऑक्टाइडल एज वेल एज टेट्राहेड्रल कोई भी फील्ड में, तो इसका वैल्यू 0.6 ΔZ स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है। एज ए रिजल्ट Mn3 एग्जिस्ट करेगा जो D4 सिस्टम ऑक्टाइडल में, ठीक है। और मैं बहुत डिटेल्स में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सबको सबका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम 6, Fe Cr2O4। तो यहाँ पे देखो Fe इज 2 एंड दिस इज द 3 ऑक्सीजन स्टेट, राइट? अगर Fe 2 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा सो दैट विल गिव यू D6, राइट? अगर ये 3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू D3। नाउ रिमेंबर, मैंने बताया था जब D3 होता है इसका सीएपीसी सबसे ज्यादा होता है, राइट? अगर इसका सीएपीसी ज्यादा होगा सो इट विल ऑलवेज प्रेफर ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट, राइट? मैंने ऑलरेडी बताया था जब D8 होता है इसका लार्जेस्ट सीएपीसी इन ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट, तो ऑलवेज इट प्रेफर द ऑक्टाइडल एनवायरनमेंट, देन इट विल प्रेफर द टेट्राहेड्रल। सो वी कैन समराइज दैट क्रोमियम
थ्री ऑक्सीजन स्टेट में अगर आएगा तो इसका ऑक्टेट एनवायरमेंट जो सी ए पी सी वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इफ ई टू इन ऑक्टेट एनवायरमेंट. क्लियर हो गया? सो दैट विल गिव यू अगर ये टेटल नॉर्मल स्पाइरल. ठीक है, क्लियर हो गया? ऑल राइट, आई कैन इरेज दिस पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. जिंक Fe2O4, राइट? तो यहाँ पे जिंक इन टू ऑक्सीजन स्टेट एंड Fe इन थ्री ऑक्सीजन स्टेट, राइट? ठीक है, अभी देखो जिंक अगर टू ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा सो दैट विल गिव यू डिटेन सिस्टम. Fe अगर थ्री में तो भी ये D5. तो ये क्वेश्चन सीएसएनएट और गेट में आया था रिसेंटली. तो अगर D10 होगा तो भी ये सीएपीसी वैल्यू जीरो होगा, D5 होगा तो सीएपीसी वैल्यू जीरो होगा. ठीक है, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस स्पाइनल? ओके, द रीजन इज दैट अगर इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड अगर जाएंगे फ्रॉम लेट से वी कैन राइट स्कैनाडियम टू जिंक, तो क्या होता है साइज यहाँ पे डिक्रीज होता है, राइट? अगर साइज डिक्रीज होगा तो जिंक का साइज स्मॉलर होता है इन कंपेयर टू Fe, तो ऑलवेज जिंक टू प्लस का स्मॉल अगर साइज होगा सो इट ऑलवेज प्रेफर द टेट्राहेड्रल वायर, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्मॉल होता है, ऑक्टाहेड्रल थोड़ा लार्ज होता है रिलेटिवली, एंड देन इट विल प्रेफर द ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, अगर इसका सीएपीसी जीरो हो जाएगा तो बिकॉज जिंक का स्ट्रक्चर जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, जिंक का जो साइज होता है स्मॉल होता है, सो इट ऑलवेज प्रेफर टेट्राहेड्रल. एंड इफ इट थ्री का रिलेटिवली साइज थोड़ा स्मॉल लार्ज होता है तो ये ऑलवेज प्रेफर द ऑक्टाहेड्रल, राइट? तो देयर इज अनदर टर्म, बिकॉज इसका दोनों का सीएपीसी जीरो है तो जिसका स्ट्रक्चर स्मॉल होगा दैट विल प्रेफर द टेट्राहेड्रल वायर और यू कैन से टेट्राहेड्रल होल्स. सो एज अ रिजल्ट अगर ये टेट्राहेड्रल दैट विल ऑक्टाहेड्रल, सो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल स्पाइनल. क्लियर हो गया? सो ऐसे करके हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बिकॉज इसका देखो D10 सिस्टम है एंड इसका D5, तो बोथ केस में सीएपीसी जीरो होगा, देन विल एक्सप्लेन इन दैट वे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम MnFe2O4, तो दैट इज द प्लस 2, दिस इज 3. अगर 2 रहेगा तो D5 एंड अगर ओके दैट इज ऑल्सो D5, तो दोनों केस में क्या होगा? सीएपीसी जीरो होगा. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे मैंगनीज Fe बहुत नियर है ना एक ही पीरियड में, यहाँ पे बहुत ही क्लोज यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रहता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला को अप्लाई किया. नाउ अगर ये दोनों केस में सीएपीसी जीरो होगा एंड बहुत ही क्लोज है, देन विल गो फॉर द मिक्स, बिकॉज मिक्स जो ऑप्शन है यहाँ पे दोनों केस में सीएपीसी जीरो होता है. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दैट इज बेसिकली योर मिक्सड स्पाइनल. सो ये बेसिकली मिक्स स्पाइनल का जो एग्जाम्पल है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ. So that will give you the mixed spinal. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम. तो ये टू ऑक्सीजन स्टेट एंड दैट विल गिव यू थ्री ऑक्सीजन. अगर टू में रहेगा तो दैट विल गिव यू D7, थ्री में रहेगा तो D6. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द एक्सेप्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द एक्सेप्शन प्रॉब्लम. जब एक्सेप्शन प्रॉब्लम होता है देन देयर इज अ एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन, राइट? दैट मींस ये जो कोबाल्ट 3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, कोबाल्ट 3 ऑक्सीजन स्टेट की अगर बात करेंगे तो इसके ये कोबाल्ट 3 अंडर दिस ऑक्साइड एनवायरनमेंट, ऑक्साइड लिगेंड एनवायरनमेंट, ये क्या होता है? ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में रहता है. क्लियर हो गया? बिकॉज कोबाल्ट 3 ऑक्सीजन स्टेट, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होता है, एज ए रिजल्ट ऑक्साइड जो एनवायरनमेंट होता है लिगेंड एनवायरनमेंट, सो इट ऑलवेज प्रेफर इन लो स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, एज ए रिजल्ट इसका सीएपीसी बहुत हाई होता है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोबाल्ट 3 ऑक्सीजन स्टेट, इसका जो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में ये बेसिकली लो स्पिन में रहता है, लो स्पिन, इसका जो सीएपीसी वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जर देन कोबाल्ट 2 इन ऑक्टाहेड्रल, दैट विल गिव यू सीएपीसी. क्लियर हो गया? एज ए रिजल्ट दैट एग्जिस्ट, कोबाल्ट 3 एग्जिस्ट इन ए ऑक्टाहेड्रल, देन ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल. ठीक है, अगर ये टेट्रा ऑक्टा होगा so that will give you normal spinal. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है देखो, यहाँ पे एम जी है, अगर मैं एम जी होगा
बिकॉज दिस इज नॉन ट्रांजिशन राइट, ये नॉन ट्रांजिशन अगर होता है तो इसका बेसिकली नॉर्मल सी ए पी सी वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है. अगर इसका जीरो होगा तो दिस इज द थ्री ऑक्सीजन स्टेट, तो भी ये डी फाइव में दैट इज जीरो. सो देन दिस विल डी फाइव में सी ए पी सी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है ना. सो दैट विल गिव यू अ मिक्स मिक्स स्पाइनल एग्जाम्पल. सो दैट विल गिव यू द मिक्स. तो हमने दो मिक्स एग्जाम्पल भी कर लिया ठीक है. नाउ हम लोग तीन गेट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ठीक है. इसके बाद हम लोग गेट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ठीक है. ओके, ये जो क्वेश्चन ये गेट 2018 में आया था ठीक है. फॉर एन इनवर्स स्पाइनल ए बी टू ओ फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कैन बी ओके ऑलराइट. तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या देखना है, इनवर्स स्पाइनल. अगर इनवर्स करना है तो ए शुड बी इन ऑक्टेडल हॉइड एंड बी शुड बी इन टेट्राहेड्रल होल्स राइट. क्लियर हो गया. ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन देखो. यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर निकेल टू के बात करेंगे तो निकेल टू, निकेल टू हैज अ डी एट एंड बिकॉज दिस इज द बोरोन एल्युमिनियम गैलियम राइट, दिस इज द नॉन ट्रांजिशन मेटल. तो इसके लिए जो सी ए पी सी वैल्यू होगा वो जीरो होगा. एंड डी एट अगर होगा, कैन यू रिमेंबर डी थ्री एंड डी एट का सी ए पी सी सबसे ज्यादा होता है इन ऑक्टेडल. सो दिस विल प्रेफर ऑक्टेडल, दैट मीन्स निकेल एंड थ्री सॉरी 204 दैट इज योर इनवर्स. सो आई होप आंसर शुड बी ए. ना जो बाकी है उसको भी हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं. देखो अगर जिंक रहेगा, मैंने ऑलरेडी आई थिंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. अच्छा ये देखो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये जो प्रॉब्लम है दैट इज अ नॉर्मल स्पाइनल राइट. एम एन इसका भी मैंने डिस्कस किया था. देखो ये दैट इज ऑल्सो नॉर्मल स्पाइनल, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इसलिए मैंने नहीं करा अभी. देन Fe2 का भी मैंने आई थिंक नहीं अच्छा किया. देखो इसका भी नॉर्मल स्पाइनल होता है राइट. तो जितना भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया ये गेट और नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है. सो आंसर शुड बी दिस. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे देखो निकेल जो टू प्लस होता है, निकेल जो टू ऑक्सीजन स्टेट में दैट इज अ डी एट सिस्टम, उसका सी ए पी सी सबसे ज्यादा होता है इन ऑक्टेडल एनवायरमेंट, इसलिए दैट विल गिव यू ऑक्टेडल. एंड बिकॉज इसका सी ए पी सी जीरो है सो वी कैन पुट व्हाटएवर वी वांट. ऑलराइट ऑलराइट, तो आंसर शुड बी ए. क्लियर हो गया. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम ठीक है. ओके ऑलराइट, ये जो क्वेश्चन ये गेट 2008 पे आया था. अमंग द कंपाउंड Fe3O4 निकेल Fe2O4 एंड Mn3O4 ये कौन किस टाइप का स्पाइनल है ठीक है. तो वही हम लोग को देखना है. तो पहले बता देता हूँ Fe3O4 जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आई थिंक. या दिस इज द इनवर्स, तो Fe3O4 इज द इनवर्स राइट. इसका भी हमने डिस्कस किया था. देखो ये भी है इनवर्स. सिमिलरली दैट इज अ नॉर्मल स्पाइनल राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था दिस इज अ नॉर्मल स्पाइनल. दैट मीन्स यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन होगा. ऊपर अगर होगा तो ये तो नॉर्मल्स नहीं होगा, दैट विल नॉट नॉर्मल, तो ये नहीं होगा. दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल, ये नहीं होगा. दिस इज इनवर्स, दिस इज नॉट इनवर्स राइट, ये नॉर्मल होगा तो ये नहीं होगा. These two are inverse spinal, so that is the expected answer, right? Fe3O4 and Fe2O4 are inverse spinal, right? Okay, और एक problem मेरे पास है, वो भी हम लोग discuss कर लेते हैं, ठीक है? Okay, अभी देखो जो next problem है, ये gate 2004 में आता है, तो ये question भी similar type of question है. CO the spinal cobalt Fe2O4 and Fe2O4 respectively are जो भी option है. I think मैंने ये करा दिया, so this is basically देखो यहाँ पे inverse spinal normal वही डिटरमाइन करना है, तो दैट इज द इनवर्स. मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया, इनवर्स है. कोबाल्ट का नहीं कराया थी. ओके तो देखो यहाँ पे देखो, अगर इफ यू हैव ए सी ओ ए फी टू नो ओके ओ फोर, तो देखो यहाँ पे जो पार्ट है कोबाल्ट टू एंड दिस इज कोबाल्ट एफ यू थ्री, तो दैट इज ए डी फाइव, उसका सी ए पी सी क्या होगा, जीरो होगा. एंड थ्री की अगर बात करेंगे सो दिस इज द टी सेवन कॉम्प्लेक्स राइट. अगर ये डी सेवन होगा तो दैट इज ऑलवेज प्रिफर्ड द ऑक्टेडल एनवायरमेंट राइट. सो दैट विल ऑलवेज प्रिफर्ड द ऑक्टेडल एनवायरमेंट. अगर ये ऑक्टेडल एनवायरमेंट को प्रिफर करेगा तो फॉर दिस केस इट विल प्रिफर द ऑक्टेडल एनवायरमेंट. यू कैन कैलकुलेट इफ यू वांट 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 इंटू 0.4 माइनस 0.6 इंटू 2 डेल्टा 0 2.0 माइनस 1.2 डेल्टा 0. देखो यहाँ पे वैल्यू भी 0.8 डेल्टा 0 आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा है राइट.
So it always prefer the octahedral. If it is this is your octahedral and this is your tetrahedral, तो ये हो जाएगा inverse, तो ये भी हो जाएगा inverse. तो आई थिंक इस लेक्चर में हमने मोर देन 12 13 प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया जो सफिशियंट है फॉर योर सी एस एन एड एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस इज इनवर्स इनवर्स, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन, राइट? ऑलराइट ऑलराइट, नाउ फॉर दिस लेक्चर यू कैन रीड हुई किटर किटर, ठीक है? वहाँ पे एक दो पेज में भी बहुत सारे केमिस्ट्री है, यू कैन रीड इफ यू वॉन्ट. इफ यू डोंट वॉन्ट, अगर आप ये वीडियो को भी अगर आप सही से फॉलो करोगे, आप नोट बना लें, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फॉर योर गेट एज वेल एज नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.